हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर, और यही आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली के सभी लोग, यानी कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे इन सर्दियों के महीनों में। थोड़ा इम्यूनिटी का, थोड़ा स्किन का, थोड़ा बालों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब आप कहोगे पूजा, सर्दियों में तो सुबह का स्किन केयर हो जाए वही काफ़ी है, शाम को मुंह धोना और उसके बाद न जाने कितनी चीज़ें लगाना हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे करें, ठंडे ठंडे फेस पैक कैसे अपने मुंह पर लगाएं, कैसे फेशियल करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। टाइम भी थोड़ा मिलता है सर्दियों में अपने लिए और मन भी नहीं करता है। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। अगर आपकी स्किन सर्दियाँ होते ही काली होने लगती हैं, अगर आपकी स्किन डल होने लगती है, अगर झुर्रियाँ झाइयाँ ज़्यादा चमकने लगती हैं, तो ये फंडेज अपना लोगे तो बिल्कुल आपकी स्किन गर्मियों से भी ज़्यादा निखरेगी, बिल्कुल गुलाब की तरह खिल उठेगी। तो करना क्या है चलिए बताती हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। अगर लाइक कर दिया है तो ढेर सारा धन्यवाद, दिल से दुआएं, एंड मुझे पता है मेरी दुआएं आप तक जरूर पहुंच गई होंगी। और अब बढ़ते हैं वीडियो में फर्स्ट स्टेप की तरफ। क्या करना है आपको, अपने अंगूठे या अंगूठे के जो थंब है उसके दोनों साइड्स दबाना है। कितनी देर के लिए? 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स के लिए एक हाथ के अंगूठे के दोनों साइड्स दबाएंगे और 30 सेकेंड्स के लिए दूसरे अंगूठे के नेल के दोनों तरफ दबाएंगे। इससे क्या होगा आप कहोगे, पूजा ये दबा तो लिया, कुछ बता भी तो दो। वेल, इससे आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, और जब टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो क्या आता है, स्किन पर ग्लो आता है, स्किन पर वो न्यूट्रिशन जो आप खा रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें, उसकी न्यूट्रिशन का असर दिखता है और आपकी स्किन होती है पोषित। तो ये काम करना है। टिप नंबर टू, क्या करना है आपको, अपने पूरे पांचों उंगलियों के जो टिप्स हैं उनको इस तरह से एक दूसरे के साथ टच करना है। अब कहोगे इससे क्या होगा, इससे आपकी स्किन पर आएगा ग्लो। हमारी जो उंगलियों के टिप्स होते हैं उनमें हमारे फेशियल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो जब इस तरह से आप दबाव देंगे तो आपके फेस पर आएगा ग्लो। इससे फेशियल मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं, फेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपका चेहरा निखरता है, संवरता है, रिंकल्स डिले होते हैं, पिगमेंटेशन मार्क्स कम होते हैं और आता है ब्यूटीफुल सा ग्लो। दो पॉइंट मैंने बता दिए, अब बताती हूँ तीसरा टिप, और वो है जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हो या फिर आप सीरम लगाते हो या आप नाइट क्रीम लगाते हो तो क्या करना है आपको, इन पांच पॉइंट्स पर ये क्रीम या मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मसाज पॉइंट्स बहुत इजी हैं। थर्ड इज दिस आईज कॉर्नर पर, फोर्थ इज दिस आपके फोरहेड के बीचों बीच, आपकी आईब्रोज के जस्ट ऊपर, एंड फिफ्थ पॉइंट है ये। ठीक है, पहले फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, यहाँ हमने लिप्स के कॉर्नर पर अपने मॉइस्चराइजर या क्रीम या सीरम जो भी आपने लगाया, पहले हल्का सा यहाँ इस तरह से मसाज किया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, जब आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, सीरम लगा रहे हो, तभी ये काम हो जाएगा और इंस्टेंट ग्लो आएगा आपके फेस पर, स्किन टाइट होगी, ब्यूटिफुल होगी, जवां होगी। 3 से 4 बार ऐसे करना है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्रीम लगाते लगाते ही आपका बढ़िया वाला स्किन केयर हो जाएगा। ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपकी स्किन को बेहतरीन निखार देंगे। तीसरे वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट आईज के इनर कॉर्नर पर है, और यहाँ पर हाथ थोड़ा सा हल्का चलाना है, बिकॉज आई के नीचे एरिया जो होता है वो बहुत टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, तो बिल्कुल हल्का हाथ चलाना है और साइडवेज इस तरह से हल्का सा ग्लाइड कर देना हाथों को। फोर्थ पॉइंट है यहां आईब्रोज पर, इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन दिस। मेरे साथ साथ कीजिए, आपको बहुत रिलैक्सिंग भी लगेगी ये मसाज, आपके ऐसे लगेगा पता नहीं कितने किलो वजन आपके सिर से उतर गया, क्योंकि ये स्ट्रेस रिमूवल एक्सरसाइज भी है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, साथ ही साथ रंग निखारती है, साथ ही साथ आपके चेहरे पर ग्लो को बढ़ाती है। तो ये मॉइस्चराइजर, सीरम, नाइट क्रीम, डे क्रीम जो भी आप लगा रहे हो ऐसे लगाओगे। ठीक है, लगाते लगाते आपका
पूरे फेस में ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये तीन टिप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं ग्लो लाने की। चौथा टिप है पृथ्वी मुद्रा। आपको अपने रिंग फिंगर की टिप को अपने थम की टिप के साथ टच करना है। ऐसे ये पृथ्वी मुद्रा ना केवल आपकी स्किन पर ग्लो लाएगी, ना केवल रिंकल्स और एजिंग को रिले करेगी, बल्कि आपके बालों की लंबाई बढ़ाएगी, ग्रोथ बढ़ाएगी, बालों को घना बनाएगी, बालों का गिरना रोकेगी और साथ ही साथ आपकी हड्डियों की भी देखभाल करेगी। तो एक मुद्रा न जाने कितने काम करेगी, ये स्किन, हेयर, मसल्स एज वेल एज बोन्स सब पर काम करती है ये मुद्रा। ऐसे बना लीजिए, कभी भी बना सकते हो, बैठते हुए, लेटते हुए, चलते हुए, बातें करते हुए ये मुद्रा बनाइए और इमेंस फायदे आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं मेरे पांचवें टिप की तरफ। पांचवें टिप में आपने कान को खींचना है। अब बोलोगे पूजा कान को खींचने से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, हमारे कान में 368 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे फेशियल मसल्स से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे फेस को एजिंग से बचाते हैं, ग्लो लेकर के आते हैं। तो पहले तो आपने ईयर की टिप को इस तरह से 10 से 15 बार खींचना है। बचपन में खींचा करते थे ना मास्टर जी, बताइएगा अगर आपके खींचे गए हैं कान तो। तो इस तरह से खींचना है, इससे एक तो आपका ब्रेन डिटॉक्सिफाई होता है, मेमोरी बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, सेल रिजुविनेशन प्रोसेस फास्ट होता है, और सेल रिजुविनेशन प्रोसेस फास्ट होगा तो आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा और रिंकल्स भी जल्दी नहीं आएंगे। दूसरी चीज है आपको कान को ऊपर से भी खींचना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा प्रेशर देते हुए ऊपर से खींचेंगे। ऐसे जो कान का ऊपरी पार्ट है, सबसे ऊंचा वाला भाग है, वहां से हल्का सा बाहर की तरफ खींचना है। और तीसरा जो मसाज पॉइंट है कान का, वो है ऊपर से नीचे की तरफ आपको लाना है। ऐसे हल्का सा ऑयल या क्रीम आप लगा लीजिएगा हाथ में ताकि फ्रिक्शन ना हो। ऐसे ये तीन प्रेशर पॉइंट है आपके कान पर, बहुत अमेजिंग है। इनको एक बार करके देखना, इनको अभी करना शुरू कीजिएगा, आप देखेंगे कि कई लोगों की ना ये चीज़ बहुत लटक जाती है, सैग हो जाती है जैसे जैसे एज होती है उनकी, तो ये चीज़ें आपकी रुक जाएंगी, आपकी फेशियल जो शेप है वो इंटैक्ट रहेगी एज बढ़ने के साथ साथ। अमेजिंग अमेजिंग तरीके से काम करता है ये कान का पॉइंट, और इसे कहते हैं ऑरिक्यूलर थेरेपी। ऑरिक्यूलर थेरेपी में और भी बहुत सारे अंगों के प्रॉब्लम्स का इलाज किया जा सकता है। अगर आपको सीखनी है ऑरिक्यूलर थेरेपी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर इसके ऊपर 2-3 वीडियोस लेकर के आऊँगी। तो इस तरीके से ये हमारे कान के पॉइंट्स हैं। तो टोटल 5 टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हैं, और अब बात करते हैं छठी टिप की या छठी टेक्निक की, वो है नेवल मसाज यानी कि नाभि पूरण क्रिया। करना क्या है, रात को सोने से पहले अपनी नाभि पर या अपनी नेवल पर आपने देसी घी लगाना है। अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल है, अगर आपकी उम्र 40 साल से अबव है तो आप लगाएंगे तिल का तेल, ठीक है। 20 से 40 साल है तो देसी घी, और 40 साल से ऊपर है तो तिल का तेल। अगर 20 साल से भी कम है, बच्चे हैं या फिर टीनेज में हो आप, तो आप नारियल का तेल लगाएंगे। होगा क्या इससे, नेवल थेरेपी से, इससे आपकी स्किन के जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो ड्राइनेस का इशू है, चाहे वो कालेपन का इशू है, चाहे वो पिंपल्स का इशू है, चाहे वो झुर्रियां या झाइयों का इशू है, सब खत्म हो जाने वाले हैं। तो नेवल थेरेपी, नेवल ऑयलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। कैसे करनी है, बस 2-3 ड्रॉप्स ऑयल लेने हैं, रात को सोने से पहले अपनी नेवल पर लगा लीजिए, 1 मिनट के लिए मसाज कर लीजिए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, जब आपको कोई भी पैक नहीं लगाना, कुछ आपको एक्सटर्नल नहीं करना अपने फेस के लिए, तो बिना कुछ किए भी ये कर लोगे तो ग्लो आना ही आना है, कहीं भाग के नहीं जाएगा, आपके पास भाग भाग के आएगा सारा का सारा ग्लो। बस ये 6 टिप्स आपने फॉलो करने हैं, 6 नहीं भी याद रहते। देखो मॉइस्चराइजर तो हर कोई लगाता है, मॉइस्चराइजर वाला जो मैंने आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया वो तो कर सकते हो, बैठे बैठे नेल तो दबा सकते हो, बैठे बैठे पृथ्वी क्रिया तो कर सकते हो, बैठे बैठे कान तो खींच सकते हो। छोटी छोटी सी तो चीजें हैं, इनको करके अपने फेस का ग्लो बेहतरीन बना सकते हो। ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बिन पैसा खर्च किए, बिन रेमेडी लगाए भी स्किन को ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। जी हाँ, हमारी सोच भी हमारे सूरत को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारी सोच प्योर नहीं है, अगर हमारी
मनःस्थिति अच्छी नहीं है, या तो हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं, या दूसरों के लिए नफरत घृणा के भाव हैं, या बदला लेने की भावना है, तो फेस पर कोई ब्यूटी निकल के नहीं आने वाली। जितना अंदर दिल में प्यार पोर करोगे ना, उतना बाहर वो निकलेगा। तो ये ज़रूर आपने कोशिश करनी है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, हमारा मन कैसा है, क्या हम दूसरों को इजीली माफ़ कर देते हैं, या फिर छोटी छोटी चीज़ें याद रखते हैं उनके बारे में और बार बार वो चीज़ें हमें पिंच करती हैं और हम अपने शब्दों के द्वारा उनको फिर से पिंच करते हैं, या हम लोगों को प्यार ही देते हैं या फिर कुछ और भी देते हैं, हमारी एनर्जी कैसी है, हम कौन सी एनर्जी पर वाइब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके फेस की दशा और दिशा सुधारने में और बिगाड़ने में, तो इनका भी ध्यान रखना है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही हमारी पूरी पर्सनालिटी को बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। तो आई एम श्योर ये टिप्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आप इनको अपनाओगे, यूज करोगे और दूसरों के साथ भी शेयर करोगे। लाइक अभी तक कर दिया होगा, नहीं किया तो अब तो करना बिल्कुल बनता है, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं आपसे मिलूंगी एक अमेजिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।